कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। हमीरपुर जनपद के मोदहा कमरिया का रहने वाला था। मृतक सरकारी शव वाहन से मेडिकल टीम के साथ भेजा गया। मृतक के शव को मृतक के पैतृक गांव वहां हमीरपुर प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। मृतक का अंतिम संस्कार मृतक के शव को नहीं ले जाया जाएगा, उनके घर प्रशासन द्वारा सीधे कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया जाएगा। मामला हमीरपुर जनपद के मोदहा थाना अंतर्गत कमरिया गाँव का है। क्या नाम है भैया आपका? जमीर। कहाँ के रहने वाले हैं? मोदहा कमरिया। कौन है आपके खत्म हुए? क्या नाम था उनका? इसरार अहमद। कितने साल के थे? 70 साल। 70 साल के थे। कहाँ रहते थे पहले? कमरिया में। क्या हुआ है इनको? सांस फूलने की बीमारी थी, वही इलाज कराने गए थे सरकारी अस्पताल, वहीं कोरोना टेस्ट भी करवाए थे, एक हफ्ते बाद जांच आई है। क्या इनको कोरोना हो गया है? पता नहीं, बोल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव आई है। तो क्या कर रहे हैं, बॉडी आप लिए जा रहे हैं क्या? घर अपने कब्रिस्तान लिए जा रहे हैं। क्या इन्होंने दे दी है क्या बॉडी आपको? देने के लिए बोल रहे हैं। तो कहाँ ले जाएंगे आप बॉडी? अपने गांव में। आप लोग स्वयं ले जाएंगे कि ये लोग भेजेंगे? अपनी टीम के साथ। मोदहा पे मौत हुई है और सर उसमें क्या है मामला? उनकी बॉडी दे दी गई है तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा? कोविड पॉजिटिव एक केस की डेथ हुई, उसको सब वाहन के द्वारा हमीरपुर भेज दिया गया है और उनके परिजन हैं साथ में। वहाँ के हमीरपुर जिला प्रशासन के द्वारा अपनी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा।